अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन, अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। किसी जमाने में कहा जाता था, अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी थमक लेकर के पहुंच रहे हैं। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है साथियों। भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है, हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों ना हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टैलेंट यहां है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं, और हम उसको का साथियों एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े। और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश साथियों मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है, 5G पर रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज PLI स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है, FDI रिफॉर्म्स उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है, MSMEs को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं, और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट उस पर भी हमने बल दिया है, और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं, हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके। और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को
500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को, इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी मांग बढ़ती जा रही है। जब पीएम सूर्य घर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सूर्य से, तो उसका व्हीकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं।